रायबरेली में पुजारी की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। पूर्व मंत्री और सपा विधायक मनोज पांडे ने मौके पर पहुंचकर घटना की सीबीआई जांच की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने मठ की जमीन को खाली कराने की भी मांग उठाई। प्रशासन और मंदिर समर्थकों की बैठक के बाद शव को नीचे उतारा गया और कड़ी कार्रवाई होगी। सेकंड, हाईकोर्ट का जो आदेश है उसी के क्रम में बाउंड्री वॉल हटाने के लिए हमारा आदेश भी हो गया और उस पर काम चालू होने जा रहा है। तीसरी बात, सुरक्षा के लिए, यहाँ मठ की सुरक्षा के लिए तो यहाँ तत्काल से पीएसी का कैंप हम लगा रहे हैं और परम पूजनीय स्वामी जी के लिए जो हम लोग सुरक्षा व्यवस्था के लिए तत्काल से गनस उपलब्ध कराएंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि कड़ी कार्रवाई हो, एक उदाहरण बने ताकि इस तरह की घटना कोई दोहरा न सके। सभा के पूर्वा में पुजारी जी की मौत हुई है, जिसको लोगों का कहना कि हत्या की गई है। मामला आश्रम की जमीन को लेकर, आप देख सकते हैं मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है, हजारों लोगों की भीड़े हैं, महिलाएं हैं जिनके हाथों में लाठी डंडे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में एक आक्रोश है कि ये पूरा मामला एक लोकल का जो भूमाफिया है वो आश्रम की जमीन पर काबिज है उसके द्वारा ही अंजाम दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक दो नहीं कई गाँव के लोग हैं जो कि मंदिर के प्रति अपनी आस्था थी और बाबा से जो प्रेम करते थे और उसी प्रेम के कारण यहाँ पर इकट्ठे हुए। मौके पर एक तरफ मौनी महाराज और पूर्व मंत्री मनोज पांडे है तो दूसरी तरफ प्रशासन है, जहाँ पर आईजी सुजीत पांडे भी मौके की नाजुकता को देखते हुए आ चुके हैं और अब एक बीच का हल निकाला जा रहा है कि सीबीआई जांच की मांग है लोगों की, साथ ही आरोपियों को दंड मिले और तीसरी मांग ये है कि मंदिर का जो जमीन है जिस पर कब्जा है उसको खाली कराया जाए। अब एक बंद कमरे में मीटिंग चल रही है जिसका यही माना जा रहा है कि जल्दी ही इस मामले का हल निकलेगा और शव नीचे उतरेगा। प्रभाकर त्रिपाठी, ईटीवी भारत, रायबरेली।